गाइस अभी हम इमोजी से बॉयज के नाम गेस करने वाले हैं, तो ये पहली वाली इमोजी देखो और मुझे फटाफट से एक बॉय का नाम बता दो। मैं बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन नाम है, तुम लोग को इमोजी देख के समझ में आ ही रहा है कि ये नाम क्या होगा, बस सेकंड वाले को गेस करना है, फर्स्ट वाला तो सबको पता ही है। तो जल्दी जल्दी सब आंसर मेरे को नीचे कमेंट में सभी लोग बता दो। लगता है काफी सारे कमेंट्स आ गए हैं क्योंकि ये पहला वाला है ओम और ये दूसरा वाला है गाड़ी यानी कि कार, तो मिला देने में बन गया ओमकार। ओमकार गाइस काफी लोगों का नाम होता है और तुम लोगों ने गेस कर लिया था, फटाफट से लाइक मार देना यार, तभी तो मजा आएगा। चलो अभी हम लोग सेकेंड वाला गेस करते हैं, ये भी काफी ईजी है। हमारे बॉलीवुड में दो दो एक्टर्स के नाम है ये। यस गाइस, और देख के भी तुम लोग समझ में आ ही रहा पहला वाला क्या कर रहा है, सेकेंड वाला ये टू नहीं है, ये कुछ और है, सोच लो क्या है, वो दिख ही रहा है और ये क्या है, बस समझ गए आंसर, बताओ सब लोग। भाई लगता है सभी लोग आंसर समझ गए क्योंकि ये पहला वाला भाग रहा है यानी ये रन, ये दूसरा वाला वी का साइन दिखा रहा है और ये है आर, तो मिला देने बन गया रणवीर। यस गाइस, रणवीर कपूर और रणवीर सिंह दोनों नाम रणवीर रणवीर है। अगर मैं सिर्फ ये वाला इमोजी दिखाता तब तो तुम लोग समझ ही जाते कि BTS वाले वी का हम लोग बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता सबके लिए। तो चलो इसी बात पे सब्सक्राइब भी मार देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। चलो अभी हम लोग ये थर्ड वाला गेस करते हैं, ये वाला भी काफी कॉमन नाम रहा हुआ है। वैसे बताऊं तो कृष्ण भगवान का भी ये एक नाम है। हाँ काफी ज्यादा हिंट हो गया, अब तो तुम लोग को समझ में आ ही गया। फर्स्ट वाला क्या है उसको इंग्लिश में, सेकंड वाला को भी इंग्लिश में, फटाफट से आंसर मेरे को कमेंट में। लगता है आ गए होंगे कमेंट क्योंकि ये पहला वाला है चाबी यानी कि की और दूसरा वाला है सूरज यानी कि सन, तो मिला देने में बन गया किशन। यस किशन कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय हो। तुम लोगों ने कर दिया था ना कमेंट, बहुत ही सही। तो चलो अभी हम लोग ये फोर्थ वाला भी गेस करेंगे, ये भी एक काफी कॉमन नाम रहा है। ये तो तुम लोगों पिछले वाले इमोजी से एक तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन एक एंड में और दे देता हूँ कि हनी सिंह का इस नाम पे एक बहुत अच्छा गाना भी आया था काफी पहले, अगर तुम लोगों ने सुना था तो। बस यार अब तो बस इजी हो गया है, तो सेकंड वाला गेस करना तो कर दो भाई। कर ही दिया होगा क्योंकि फर्स्ट वाला इमोजी में तो सूरज है यानी सन और दूसरे वाले में घुटना है यानी कि नी, तो मिला देने बन गया सन्नी। और ये अपने हनी सिंह पाजी का ये वाला गाना आया था। क्यों सही है ना यार, लगता है तुम लोगों ने ये भी गेस कर डाला था, बहुत ही मजा आ रहा है लगता है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला गेस करते हैं, ये वाला नाम थोड़ा सा पुराना नाम है। मैं कहूँ तो फर्स्ट वाली इमोजी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं और सेकंड वाले को हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा तुम लोगों सेकंड वाले नाम में, बस फिर तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा, बस कमेंट में चाहिए मुझे। लगता है कमेंट आ गए हैं क्योंकि पहला वाला है जग और ये दूसरा वाला है दीप, तो मिला देने में बन गया जगदीप। यस गाइस जगदीप, आजकल जल्दी से कोई नाम जगदीप रखता नहीं है, थोड़ा हम लोग के पापा वाले टाइम का नाम है क्या, ये भी तुम लोगों ने गेस कर लिया था, बहुत ही सही। तो चलो अभी ये नेक्स्ट वाला बता दो, ये तो काफी कॉमन नाम है, आज भी सब लोग रखते हैं, ये भी एक एक्टर का नाम है बॉलीवुड का जो अभी काफी अच्छा चल रहा है। तुम लोग बता सकते हो कि क्या नाम है, फर्स्ट वाला तुम लोग को दिख रहा है, सेकंड वाला भी दिख रहा है, दोनों को इंग्लिश में गेस करना है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। लगता है काफी सारे कमेंट आ गए हैं क्योंकि ये पहला वाला है गाड़ी यानी कि कार और ये दूसरा वाला है टिक मार्क, तो हो गया टिक, तो मिला देने में बन गया कार्तिक। यस गाइस कार्तिक नाम, कार्तिक आर्यन बॉलीवुड में एक्टर है, काफी लोग अभी भी उसका नाम कार्तिक है क्या, ये तुम लोगों ने गेस कर लिया था, बहुत ही सही। तो चलो अभी हम लोग ये नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये भी काफी कॉमन नाम है, आज भी बहुत लोगों का नाम है, मेरे दोस्तों का भी रहा है काफी सादा नाम, क्या अब बता सकते हो क्या है। फर्स्ट वाले में वो इमोशन क्या दिख रहा है तुम लोगों को वो गेस करना है, सेकंड वाले में इंग्लिश में, तो जल्दी जल्दी से मेरे को आंसर कमेंट में बता दो।
लगता है कमेंट आ गए हैं क्योंकि पहला वाला में बेचारा वो रो रहा है। यस गाइस, और दूसरा वाला मुर्गी उसे हम लोग कहते हैं, तो मिला देने में बन गया रोहन। यस गाइस, रोहन क्या ये तुम लोगों ने गेस कर डाला था? बहुत ही मजेदार बात है यार। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला भी गेस कर देंगे। अभी काफी रिसेंट वाले नाम हो गए, तो चलो अभी एक पुराना वाला नाम गेस करते हैं। ये वाला इमोजीज देखो तुम लोग, इसमें पहला वाला तो समझ में आ ही रहा है, सेकंड वाले में हो क्या रहा है, वो क्या चीज से परेशान है वो तुम लोग को बताना है। और इस पे एक बहुत बड़े फेमस सिंगर का भी नाम है, थोड़े पुराने ऑब्वियसली, क्या ये तुम लोग गेस कर सकते हो? बताओ कमेंट में। है कमेंट आए होंगे क्योंकि पहला वाला चाबी यानी कि की, और ये दूसरा वाला है नॉइस से परेशान हो रहा, शोर से परेशान हो रहा, तो मिला देने में बन गया किशोर, किशोर कुमार। यस गाइस, बहुत ही बड़े सिंगर थे, क्या ये तुम लोगों ने गेस कर दिया था? बहुत ही सही। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला गेस करेंगे। ये भी काफी कॉमन नाम रहा है, इस वाले में भी तुम लोग को इस इमोजी का बस इमोशन गेस करना है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो एक हिंट और कि सलमान खान के पुराने फिल्मों में ये नाम बड़ा यूज होता था। यस गाइस, अब तुम लोग मेरे को बताना है कि वो क्या नाम है, तो जल्दी जल्दी से आंसर मेरे को कमेंट में बता दो। भाई यहाँ पर लव का इमोशन है, प्रेम का इमोशन है गाइस, और सलमान खान का बहुत फिल्मों में नाम प्रेम है, क्या ये तुम लोगों ने गैस कर दिया था? कमाल की बात है। तो चलो अभी नेक्स्ट वाला गैस करते हैं। ये वाली मैंने थोड़ी से टफ रखी है क्योंकि इसको तुम लोगों को गैस करना भी जरूरी है। ये क्या है? ये एक मिरर है ना। एक बहुत बड़ा हिंट दे देता हूँ, मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं बस वो बता दो, वही ये नाम है। अब 99% लोग बोलेंगे कि कांच बोलते हैं, और कांच किसी का नाम थोड़ी ना होता, कांच नहीं होता बेटा, ग्लास को हिंदी में कांच बोलते हैं, मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं वो गेस करना है। तो फटाफट से बताओ मेरे को। लगता है तुम लोग कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि सब लोग कांच ही बोलते हैं, लेकिन मिरर को हिंदी में बोलते हैं दर्पण। यस गाइस, और ये नाम है दर्पण, काफी लड़कों का पहले नाम होता था दर्पण। क्या तुम लोगों ने गेस किया था? तुम लोगों को पता था क्या? भाई खुद के लिए ही ताली बजा देना, बहुत ही सही फिर तो। तो चलो आज का हम लोग लास्ट वाला गेस कर लेते हैं। ये भी आजकल इतना नाम नहीं रखता है, पापा वाले टाइम में काफी कॉमन नाम था, मेरे चाचाओं का भी नाम है ये। बस तुम लोग फर्स्ट तो दिख ही रहे, सेकंड वाले में क्या है बस गेस कर लो, मेरे को पता समझ में आ गया तो कमेंट कर दो यार। लगता है कमेंट आ गए क्योंकि ये है डी, और यहाँ पर ये होठ है यानी कि लिप, तो मिला दे दिलीप, दिलीप कुमार। भाई बहुत अलग अलग नाम है दिलीप पे, क्या ये सब तुम लोगों ने गेस कर लिया? तो चलो अभी हम लोग गर्ल्स वाला नाम भी गेस करते हैं, ये तुम लोग स्क्रीन पे आ रही है, उस वीडियो को जाके देखो और बताना क्या स्कोर रहा। तो मिलते हैं उस वीडियो में, बाय।